कोरोना से जंग लड़ रहे भारत देश के लिए इस बीच एक और खुशखबरी सामने आई है। दरअसल ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने सिप्ला की मॉडर्न वैक्सीन के आयात को मंजूरी दे दी है। सिप्ला के वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए इसके आयात और मार्केटिंग की इजाजत मांगी गई थी, जिसकी इजाजत DCGI दे चुका है। अब सरकार के फैसले का इंतजार है। मॉडर्ना की तरफ से बताया गया कि अमरीकी सरकार ने मॉडर्ना को कोरोना वैक्सीन के डोज तय संख्या में भारत को डोनेट करने की मंजूरी दे दी गई है। कंपनी ने सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से भी इमरजेंसी यूज का अप्रूवल मांगा है। आपको बता दें कि कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी के बाद मॉडर्ना चौथी वैक्सीन है जिसे भारत में मंजूरी मिली है। मुंबई स्थित फार्मा कंपनी सिप्ला ने इसके आयात को मंजूरी दी है। इसके अलावा DCGI ने बताया कि अगर किसी वैक्सीन को अमेरिका, यूरोप, UK, जापान और WHO से मंजूरी मिल चुकी है तो उसे भारत में ब्रीजिंग ट्रायल करने की जरूरत नहीं है। वहीं WHO के मुताबिक मॉडर्ना की वैक्सीन कोरोना के खिलाफ 94.1% तक असरदार है। WHO का कहना है कि मॉडर्ना वैक्सीन की पहली डोज लगने के 14 दिन बाद कोरोना होने का खतरा 94% तक कम हो जाता है। हालांकि मॉडर्ना वैक्सीन के अलावा फाइजर की वैक्सीन को भी जल्दी ही मंजूरी मिलने की उम्मीद है। पिछले दिनों फाइजर के CEO ने एक कार्यक्रम में बताया कि भारत में फाइजर वैक्सीन की मंजूरी की प्रक्रिया फाइनल स्टेज में है। जल्दी ही कंपनी भारत सरकार के साथ समझौते को अंतिम रूप दे देगी। गौरतलब है कि देश में दूसरी लहर का प्रकोप अब कम हो रहा है, लेकिन इस बीच कोरोना के नए डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले बढ़ने लगे हैं, जिससे नया संकट दिखने लगा है। इसकी वजह से जितनी जल्दी देश में वैक्सीनेशन हो जाएगा, सुरक्षा की दृष्टि से वो काफी बेहतर रहेगा। ऐसे में मॉडर्ना वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में तेजी देखी जा सकती है, क्योंकि अब देश के पास 4 तरीके की वैक्सीन उपलब्ध है जो कि कोरोना को मात देने में कामयाब है। ब्यूरो रिपोर्ट, नमन सत्य न्यूज़।